बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। होप यू ऑल विल बी फाइन। आई एम हियर फ्रॉम अमेरिकन इस्लामिक स्कूल। स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक ऑफ काउंट डाउन पेज नंबर 18 पेज नंबर 18। स्टूडेंट्स, इसी में भी हम इसी तरह से इस पेज पर भी एज इट इज़ वैसे ही वर्क करेंगे जैसे हमने प्रीवियस पेज पर किया था। टेंस एंड वंस, मैंने आपको बताया था जब भी हम कोई डिजिट लिखते हैं तो उसका राइट साइड का जो डिजिट होता है, राइट साइड का डिजिट होता है वो वंस कहलाता है, और जो लेफ्ट साइड का डिजिट होता है वो टेंस कहलाता है। इसी तरह 1, 10, 2, 1s। अब यहाँ पे सेपरेटली अगर लिखा होगा तो आप इसे कंबाइन करके कैसे लिखेंगे? आप इसको 1 और 2 लिखेंगे तो ये 12 बन जाएगा, ठीक है, जिसका 2 1s है, 1 10s है। इसी तरह देखें 1, 10s, 5, 1s। अब हम इसको कंबाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1, 5, 15, 1, 10s, 3, 1s। अब इसको कंबाइन कैसे करेंगे? 1, 3, 13। इसी तरह से बाकी कवर को आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, 1, 10 और 1, 1। 1 और 1 कितना हुआ? 1 + 1 इज़ इक्वल 11। 1, 10s and 1, 1, 11। आप इसको इन वर्ड्स में भी राइट करेंगे, ELEVEN, 11, और डिजिट में भी, नंबर में भी जो है राइट करेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 1, 10 and 8 1s। 1 और 8 कितना होता है? 1, 8, 18। 1, 8, 18, EIGHT EEN, 18। 18 को हम किस तरह लिखेंगे डिजिट में? इस तरह से, ठीक है। तो आपने इसको फिगर्स में भी लिखना है और इन वर्ड काउंटिंग में भी लिखना है, दोनों में, ठीक है। पहले आप इन वर्ड्स में लिखेंगे, देन आप इसको फिगर्स में लिखेंगे, नंबर में लिखेंगे। ओके, होप यू ऑल विल बी अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।